याद करिए साल 2007 का वो दौर जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला गया। साउथ अफ्रीका में हुए इस टूर्नामेंट ने क्रिकेट के रोमांच को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। अब क्रिकेट प्रेमियों को वैसी ही एक और खुशखबरी मिली है। यह खुशखबरी यह है कि ओलंपिक में भी क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी ने इस पर फैसला ले लिया है और साल 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। ऐसे में ओलंपिक में भी अब क्रिकेट का रोमांच दिखने वाला है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र की बैठक मुंबई में हुई। इसी में यह फैसला लिया गया कि साल 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट मैच भी खेले जाएंगे। क्रिकेट के साथ ही इस ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लेग क्रॉस और स्क्वैश को भी शामिल कर लिया गया है। सब जानते हैं कि भारत में क्रिकेट धर्म के तौर पर माना जाता है। वर्ल्ड कप एक बड़े त्योहार के तौर पर है तो बाकी सीरीज का रोमांच भी कम नहीं रहता। ओलंपिक भी खेल महाकुंभ ही है। ऐसे में इस महाकुंभ में क्रिकेट के शामिल होने से इसके दर्शकों में इजाफा ही होगा। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या यह पहला मौका है जब ओलंपिक में क्रिकेट खेला जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल साल 1900 में पेरिस में ओलंपिक गेम्स हुए थे और इस ओलंपिक में पुरुष कैटेगरी में क्रिकेट मैच भी शामिल रखे गए थे, यानी क्रिकेट का खेल भी रखा गया था। लेकिन इस ओलंपिक्स में, यानी पेरिस ओलंपिक्स में, सिर्फ दो ही टीमों ने हिस्सा लिया था। वे टीमें थी ब्रिटेन और फ्रांस। यह वो दौर था जब क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट में ही मैच हुआ करते थे, यानी वनडे और T20 का इजाद नहीं हुआ था। पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट के एकमात्र मुकाबले के बाद ब्रिटेन ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि मेजबान फ्रांस को सिल्वर मेडल मिला था। इन दोनों के बीच यह मुकाबला 19 अगस्त और 20 अगस्त को खेला गया। गोल्ड मेडल के मुकाबले, या कहे तो एकमात्र मुकाबले की बात करें, तो ब्रिटेन ने इस मैच में पहले बैटिंग की और उसने पहली पारी में 117 रन बनाए। इसके जवाब में उत्तरी फ्रांस की टीम महज 78 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह ब्रिटेन को पहली पारी में 39 रन की मजबूत बढ़त मिली। मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 145 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। इस तरह फ्रांस को मिला 185 रन का लक्ष्य। लेकिन फ्रांस की टीम इस लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 26 रन पर ऑल आउट हो गई। ब्रिटेन को 158 रन से शानदार जीत मिली और इसके साथ ही मिला क्रिकेट का पहला गोल्ड मेडल। सन 1900 के बाद क्रिकेट कभी भी ओलंपिक में नहीं दिखा। इसकी कई वजह थी। एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी, और दूसरी वजह यह थी कि क्रिकेट का फॉर्मेट 5 दिनों का होता था और इस कारण से इसके मैच लंबे चलते हैं, जो ओलंपिक में कहीं ना कहीं उसके शेड्यूलिंग में दिक्कत पैदा कर रहे थे। बहरहाल पेरिस ओलंपिक के 122 साल बाद अब ये फैसला ले लिया गया है कि क्रिकेट की वापसी होनी है ओलंपिक में। एक बार फिर ओलंपिक में गेम्स, क्रिकेट गेम्स होंगे, क्रिकेट के मैच देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि क्रिकेट का यह खेल लॉस एंजल्स में होंगे, लॉस एंजल्स ओलंपिक में होंगे, जो 2028 में खेला जाना है। जहां तक भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की बात है, तो वो उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में दबदबा दिखाने के बाद, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद, अब ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतेगी। हम क्रिकेट और अन्य खेलों के नए और ताजा तरीन वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाजत। नमस्कार।